लगातार लीग स्टेजेस के अपने 9 मुकाबले जीते हैं टीम इंडिया ने और अब समय आ गया है नॉकआउट स्टेज का। सेमीफाइनल मुकाबला है 15 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े में न्यूजीलैंड के खिलाफ। लेकिन फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं भारत के गेंदबाजों के प्रदर्शन की और देखिए कुलदीप यादव की फिगर्स 9 मैचेस में आपके सामने है। कुल मिलाकर उन्होंने 4.15 की इकोनॉमी से 14 विकेट लिए हैं इन 9 मुकाबलों में जो कुलदीप यादव ने टीम इंडिया के साथ खेले हैं। और इस वक्त कुलदीप यादव के कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल देव पांडे जी। सर ये बताइए कि कुलदीप यादव ने क्या कोई खास तैयारी की थी इस वर्ल्ड कप की, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपनी छाप छोड़ रहे हैं। हर मैच में जब आते हैं एक एम्बिशन के साथ आते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ रखकर हर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के सामने कोई ना कोई ऐसी खास गेंद लेकर आ रहे हैं और लगातार चाहे कितने भी बड़े नाम हो उनका विकेट लेने में कामयाब भी हुए हैं कुलदीप। सबसे पहले मैं पाजी को नमस्कार करता हूँ, क्योंकि बड़ी हमारी हस्ती हैं वो जिनकी वजह से क्रिकेट चालू है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुलदीप यादव 2021 से लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। T20 में भी उन्होंने जो IPL में उसमें उन्होंने 21 विकेट निकाले थे और उसके बाद लगातार वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। बांग्लादेश भी उन्होंने टेस्ट मैच में काफ़ी घातक गेंदबाजी की थी और हर मैच में वो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की थी। लेकिन हम लोग का प्रिपरेशन ये था कि हमें T20 और वनडे में सामंजस्य स्थापित करना है और अच्छी गेंद फेंकना है, तो वो गेंदबाजी के लिए जो हम लोगों ने मेहनत की थी जो कोरोना टाइम में, वो अभी सक्सेस हो रहे हैं हम लोग। और उनकी जो सबसे ज़्यादा काम किया था कुलदीप यादव के साथ हमने, वो काम था ये कि लाइन और लेंथ पे उनकी जो पहले एकाध गेंद छोटी होती थी तब उसको उन्होंने एकदम ख़त्म कर दिया लगभग। और उनका जो बिग ब्रेक है जिसे उन्होंने बाबर आजम को आउट किया था और अभी उन्होंने जो इंग्लैंड के कप्तान को आउट किया था, तो ये सब चीज़ें उनकी अच्छी हैं और ये काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और अभी वो उनका एक जो सबसे ज़्यादा परिपक्वता है ये बैट्समैन को रीड कर रहे हैं तेजी से और उसके हिसाब से गेंदबाजी कर रहे हैं। और क्या तो ये यही कारण है कि उन्हें ग्लेन मैक्सवेल जैसे मंझे हुए बल्लेबाज के खिलाफ भी सफलता मिल रही है, क्योंकि कहाँ एक तरफ ग्लेन मैक्सवेल ने 2 डाला, इतनी ज़बरदस्त उन्होंने पारी खेली, लेकिन उससे पहले कुलदीप ने दिखा दिया था कैसे उनका विकेट ले सकते हैं। करेक्ट, ये आपने एकदम अच्छी बात बोली कि पहले हम लोग ने बात किया था ग्लेन मैकग्रैथ हमेशा उनको मिड विकेट पे मारते थे, तो हमने कहा कि इस गेंद पे उनको थोड़ी स्पीड बढ़ा के रखना क्योंकि बैक फुट आपको मारने ही जाएंगे, कट मारेंगे या आपको मिड विकेट पे खेलेंगे। वो वहाँ पे कुलदीप इस टाइम बहुत हमने बताया कि बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बॉलिंग का यूज कर रहे हैं और वो सक्सेस हो रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।